Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack G NEET on Pragati Practice app. Download now. कैलकुलस, अब कैलकुलस तुमने बेसिक डिफरेंशिएशन तो पढ़ा ही हुआ है, एओडी भी पढ़ाई था हमने, अब उसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वहां पढ़ा था, या नहीं पढ़ा होगा तो देख लेते हैं। अब अगर मेरे पास fx है तो ये किस तरह का फंक्शन होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, या नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा, ये तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, या कोई पैटर्न फॉलो ना करे तो फिर, अगर नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, इसमें मैक्सिमम मिनिमा डेवलप होगा। Let us take an example of this. जैसे ये है, इसका ग्राफ ऐसा कुछ है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मेरे पास कोई ए टू बी छोटा सा इंटरवल है जिसमें मुझे वैल्यू देखनी है, तो इसकी रेंज क्या आएगी, तो इसकी रेंज क्या आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू आएगी और इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू, ये सारा पोर्शन है। तो इस केस के अंदर आंसर आ जाएगा फ्रॉम एफ एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज एफ ऑफ ए टू एफ। डिक्रीजिंग होगा तो उल्टा हो जाएगा, ग्राफ ऐसा जा रहा है। अगर मैं ए और बी लूंगा तो अपोजिट थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग, अब अगर ये लूंगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा। तो अगर डिक्रीजिंग हुआ तो मेरे पास उल्टा हो जाएगा, अब आंसर आ जाएगा एफ ऑफ बी टू एफ ऑफ ए। उल्टा हो गया क्योंकि छोटी वैल्यू पे बड़ी वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू पे छोटी वैल्यू आएगी। अब इसमें क्या होगा थर्ड केस में, अब इसमें ऐसा कुछ है जिसे मान लेते हैं, इसमें ऐसा कुछ है, देखो ऐसे क्या ऐसे चलेगा, इट विल डिपेंड कि भाई ये मैक्सिमा कहाँ है। मान लेते हैं कि दिस वाज टू, दिस वाज वन, दिस वाज थ्री, ऐसा मान लेते हैं। एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू रेंज ऑफ दिस फंक्शन इफ एक्स बिलोंग्स टू पहला केस 0 to 4, इसमें रेंज क्या होगी। अब मैं इस मैक्सिमम वैल्यू को भी एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, दिस मैक्सिमम वैल्यू इज नथिंग बट 5। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, तो हम बोलेंगे देखो जीरो पे क्या हो रहा था, ये देखते हैं माइनस हो, जीरो से लेके जब मैं 4 तक जाऊंगा तो देखो 0 4, तो मैं वैल्यू निकालूंगा एफ ऑफ 0 की, एफ ऑफ 4 की, और देखो एफ ऑफ 2 भी तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो तो इसी के करस्पॉन्डिंग आएगी एफ ऑफ 2, क्योंकि इसमें बीच में F2 0 और 4 के बीच में लाई करता है, मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ से आएगी। अब मिनिमम कहाँ से आएगी, मिनिमम डिपेंड करता है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये छोटा है या ये छोटा है। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ 0 इज स्मॉलर देन एफ ऑफ 4 मान लेते हैं, अगर ऐसे तो हम यहाँ पे एफ ऑफ 0 लेते हैं। सिमिलर थिंग विल हैपन विद मिनिमम ऑल्सो, अगर मैं यहाँ पे मैं मिनिमम का केस ले लूँ तो वहां पर भी सेम ही होगा। अगर आप मिनिमम लोगे तो फिर भी सेम ही चीज करेंगे, अगर ये ऐसा हो जाता ठीक है, अगेन 1 3 2 सेम चीज, तो अब की बार तुम ये केस 1 था, ये केस 2 है, केस 2 में तुम क्या करोगे, सेम चीज करोगे, फिर तुम 0 पे वैल्यू चेक करोगे, 4 पे वैल्यू चेक करोगे और 2 पे वैल्यू चेक करोगे। अब 2 पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमा है, तो तुम बोलोगे देखो एफ ऑफ 2 तो मिनिमम ही हो गया, और इन दोनों में जो बड़ा है एफ ऑफ 0 है ना, अगर एफ ऑफ 0 बड़ा है तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 लिख दो, 4 बड़ा होता तो एफ ऑफ 4 लिख दो, हमने एक्चुअली ऊपर मान रखा है, तो लेट अस टेक द सेम लॉजिक, डू नॉट चेंज द लॉजिक, यही बड़ा माना है तो यहाँ पर। समझ में आ गई बात, क्लियर। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा।